हाय हेलो एंड वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज का सीन कुछ ये है कि मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं, शायद बॉर्डर जा रहे हैं, नहीं पता अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, बट कहीं तो जा रहे हैं, बट देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पता चल जाएगा। शायद हमको लगता है कि इंडो भूटान बॉर्डर जा रही है और अरुणाचल प्रदेश मतलब बगल में ही है तो वहीं जा रहे हैं, अब नहीं पता। फिलहाल तो टाइम हो रहा है कुछ 1:26 हो रहा है और धूप बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, तो चश्मा पहन लेते हैं, उसके बाद आप लोग को कुछ ये पहन लिए, अब मज़ा आएगा ब्लॉग करने में, क्यों बस यहीं का मज़ा ले रहे हैं। तो सोचे आज मतलब क्या ही रूम का अंदर क्या ही कितना ही वीडियो बनाएंगे, तो सोचे आज थोड़ा आउटडोर वीडियो बनाएंगे, तो बस इधर ही गार्डन में निकल गए, आउटडोर वीडियो बना रहे, और प्लान तो है कुछ, देखते अब। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम पूरा मतलब जंगल तो नहीं बोलेंगे बट अच्छा खासा है थोड़ा सा, और ये मुझे कुछ नया सा दिखा है, मतलब ये जंगली मतलब वो ही है, प्लांट ही है, बट ऐसा तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होते। ये कितना खूबसूरत दिख रहा है दिखने में, देख सकते हैं जैसा कि आप कितना खूबसूरत दिख रहा है, और चारों तरफ है, तो दिखाने लायक तो बहुत कुछ है बट क्या दिखाए नहीं दिखाए समझ ही में नहीं आ रहा है, इतना कुछ है दिखाने जैसा, तो चश्मा पहन लेते हैं 1 मिनट। हाँ तो अब अच्छा लग रहा है, तो फिलहाल तो यहाँ पे घूम रहे ऐसा देख सकते हैं, और ये पेड़ शायद हम लोग के यहाँ नहीं होता है, तो आप सोच रहे होंगे ये पेड़ क्या है, तो ये पेड़ है आप जो गुटका वगैरह रहता ना, रजनीगंधा, कमला और क्या क्या जो भी रहता है, हमको तो नहीं पता, हम नहीं खाते ये सब, तो वही यहीं से मतलब बनता है क्या है, इसी को तोड़ना पड़ता है, फिर तोड़ के फिर वही सारा प्रोसेस वगैरह होता है, क्या होता है नहीं होता है हमको नहीं पता, जो बनाता है वही लोग जानता होगा, तो बस वही पेड़ है, अच्छा दिखता है, मतलब व्यू अच्छा आता है देखने में, और चलते चलते कुछ ऐसा देख सकते हैं आप लोग, हम ये बांस का झुंड इधर आए हुए हैं, और उधर शायद कुछ तालाब वगैरह है, तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है, देखते हैं। तो हाँ ये तालाब है, कुछ घर का ही तालाब है भाई लोग का, तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह वो लोग करते हैं, मतलब यहीं से मछली छोड़ते हैं, और जब खाने का मन होता है तो यहीं से मछली उठा लेते हैं, मतलब उठाते नहीं है, फिशिंग करते हैं, तो भागते हैं यहाँ से, जंगल झूड़े कहीं से सांप वगैरह आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, ब्लॉग बनाने का चक्कर में खुद का ब्लॉग बन जाएगा, तो ठीक है फिर अब चलते हैं, और निकलते बस थोड़े देर में निकल, क्योंकि टाइम तो लगभग 1:30 बज ही गया है, नहीं पता। हाँ तो निकलते क्योंकि उधर भी जाना है दिखाना है, तो ठीक है मिलते हैं बाइक पे। तो जैसा कि आप लोग पता था हम घर से निकले हुए, और हम लोग उस टाइम डिसाइड नहीं हुआ था कि कहाँ जा रहे क्या जा रहे, तो फाइनली सब मिलकर डिसाइड किए कि अरुणाचल जाते हैं, और उधर से बगल में भूटान है तो भूटान में विजिट कर, तो शुभम भाई है साथ में, अब वो जो वो लोग भाई लोग हैं, और ये राइडर जन लोग घूम रहे कौन है क्या है, तो बस वही सीन है, ऐसा कुछ प्यारा सा लोकेशन है, और ये आप देख सकते हो, ये ऐसा है कि मतलब देख ही सकते हो ये कितना मतलब नीचे गड्ढा है, अब ये एंड पॉइंट है, अब वो रहा गड्ढा उधर, वहाँ मतलब गिरे तो गए, ऐसा वाला सीन है, और ये है, और देखिए वो आप पहाड़ सब है, और ये देखते हैं आप वाइट पहाड़, वाइट ही है, हाँ वाइट ही है, देख सकते हैं आप पूरा वाइट पहाड़ है, तो मज़ा आ रहा है, बस अच्छा वाइब मिल रहा है, एकदम नेचुरल हवा चल रहा है इधर, और शराबा नहीं, बस एकदम बस हम ही लोग हैं, और यहाँ तो हाथी वगैरह भी निकलते हैं बट अभी तो दिन का टाइम में नहीं निकलते, तो चलते आगे, तो चलते चलते कुछ
मतलब अब पहुंचने ही वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, और कुछ अच्छा व्यू मिला था तो सोचे दिखा देते, तो ऐसा है कुछ। और ये देखिए व्यू, ये है सॉलिड व्यू, ये वो रहा, उधर नीचे गांव है, आपको जूम करके दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वो नदी बह रहा है, और वहाँ पे कुछ शायद आग वगैरह कुछ लगा हुआ है, नहीं पता। तो और वो आप देख सकते हैं, ये वो ब्रिज के बगल में एक हैंगिंग ब्रिज है, तो वहाँ शायद जा सकते हैं। और अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसीलिए सोचे दिखा देते आप लोग को। और पहाड़ आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, और ये रोड, वो रोड आप देख रहे हैं, वो रोड आप सीधा उधर आपको तवांग और रूपा वगैरह जो भी आपको जाना है वो रोड में आप जा सकते हैं। और इस हम लोग को तो वो रोड से जाना है, वो रोड वो कहीं पे वहाँ पे रोड है, वो रोड से इधर हम लोग को भूटान जाना है, इस साइड हम लोग को भूटान जाना है। तो चलिए चलते अब आगे, देखते हैं अरुणाचल में, देखते हैं कहीं पे रुकेंगे और कुछ खा पी लेंगे और आगे भूटान जाते हैं, तो भूटान में आप लोग को दिखाते अच्छा अच्छा व्यू। तो चलिए फिर, तो अभी हम लोग इंडो भूटान बॉर्डर पहुंचे हुए हैं, और ये भाई है इधर, और गाड़ी ऐसा यहाँ रखा हुआ है, ये मेरा गोप्रो है, और ये कुछ ऐसा रास्ता है, और ये है भूटान बॉर्डर। तो चलते हैं, तो इंडिया बॉर्डर तो क्रॉस हो चुके हैं, बट ये भूटान, मतलब भूटान गेट है, वो क्रॉस करने नहीं दे रहा। और ये भाई मायूस होकर बैठा हुआ है, और वो दोनों गए हैं, तो देखते जाने देता है कि नहीं। बॉर्डर में घुसने तो नहीं दे रहा है, मतलब गेट में, भूटान अंदर जाने नहीं दे रहे, और अब क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते, सब यहाँ पे मायूस बैठे हुए कि भूटान जाने नहीं दे रहे, तो जाते उधर अरुणाचल साइड ही कुछ खाते पीते, और उसके बाद सीन देखते क्या है नहीं है। देख लीजिए आप, यही है भूटान बॉर्डर, अब उसके आगे भूटान ही है, ये मतलब बीच वाला है, ये क्या बोलते हैं उसको, बीच वाला, ये वो है ना, इंडिया है ना, भूटान है, तो ये भूटान है, और वो जो गेट पार हुए थे उधर वो इंडिया था। तो वहाँ से निकलने के बाद अभी ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट में बैठे हुए, मतलब होटल है, सब यहाँ पे वैसा ही है, तो यहाँ पे ऐसा बैठे हुए। तो देखते हैं, कुछ ऑर्डर दिए, एक चाउमीन और चिकन पकौड़ा ऑर्डर दिए हुए, तो बस आ रहा है, अब उसका वेट करते आने का, उसके बाद खाते पीते फिर चलते आगे, देखते हैं क्या सीन का व्यू कुछ ऐसा है। और वो वाले पॉइंट पे अभी हमें जाना है, तो ऐसा देख सकते हैं ऐसा व्यू है कुछ। और ये रेस्टोरेंट, ये मतलब ढाबा में बैठे हुए अभी खाने के लिए, और ये बनता है, और देखते हैं ऐसा कुछ है। अब तो फिलहाल हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वो तभी बोले थे ना वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे रोड है, देखते हैं ऐसे ऊपर हमें जाना है। तो चलिए चलते ऊपर क्या सीन है। चश्मा ढूंढ मेरा कहाँ है? ओह हाँ, तो हम बोल रहे थे कि ऊपर क्या सीन है नहीं है, देखते और चश्मा पहन लेते, क्योंकि अच्छा दिखता है चश्मा पहनने से। और देख सकते आप यहाँ से काफ़ी, यहीं पे चढ़े और इतना अच्छा व्यू आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि ऊपर चढ़ेंगे तो क्या ही व्यू आएगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ व्यू है, वाइड एंगल करते हैं, हाँ ऐसा कुछ है व्यू, तो देखिए यहाँ से क्या ही प्यारा लग रहा है। और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते अभी, हो थक गए। और देखिए ऐसा कुछ, यहाँ से आप देख सकते हैं वो भाई जा रहे हैं, और ये स्टूपा है कुछ, उसको नहीं पता, तो देख लीजिए अब। और ऐसा यहाँ से कितना शानदार व्यू आ रहा है, देखिए देख सकते हैं आप। और वो देखिए उधर, वहाँ पे जो है वो पिकनिक स्पॉट है, तो भैरव कुंडों के नाम से जाना जाता है, वो आप देख सकते हो, शायद गाना वगैरह की आवाज़ भी आ रहे होंगे आपको। और
ये काइंड ऑफ मतलब एक बॉर्डर ही पड़ता है, ये रिवर है ना, वो काइंड ऑफ एक बॉर्डर ही पड़ता है। इस साइड इंडिया है आपका, वो उस साइड भूटान पड़ जाता है, तो वो आप बोल सकते हो कि इंडिया इधर है और भूटान उधर है, आप बोल सकते हो। और काफ़ी अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है, देख सकते हो आप, अच्छा व्यू है। और ये पहाड़ भी देख सकते हो, काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ से सारा कुछ। बहुत सारे मतलब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और न्यू ईयर का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं, तो देख सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा अभी मज़ा लेते। तो हम लोग टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, अब देख सकते हो वहाँ आर्मी लोग है, और ये कुछ है बुद्धिस्ट लोगों का कुछ है। तो बस यहाँ से यही सीन है, तो चलते नीचे और उसके बाद फिर देखते आगे, मतलब आगे मतलब क्या सीन है नहीं है देखते। तो वहाँ से खा पी के निकले और यहाँ पे पहुँचे हुए भैरव कुंडो। तो यहाँ पे एक ब्रिज है जिसमें बहुत शानदार पानी आता है, तो आप देख सकते हो ये ब्रिज, और ये भी ब्रिज है। और यहाँ का पानी मतलब हम देखें कि इतना इतना साफ पानी है ना, कि क्या ही बोले, आप भी देख सकते हो अंदर मतलब पत्थर वगैरह दिख रहा है, देख सकते हो पूरा ऐसा साफ पानी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना साफ पानी आप देख सकते हो अंदर। ये मत सोचना कि इसमें पानी नहीं, इतना गड्ढा है ना कि हम पूरा का पूरा डूब जाए उसमें, इतना गड्ढा है यहाँ पे, सही बता रहे, बहुत ज़्यादा ही गड्ढा है। तो ये मत सोचना कि पानी नहीं है भाई, इसलिए साफ दिख रहा है या कुछ जो भी है, ठीक है, सही बता रहे, बहुत ज़्यादा ही गड्ढा है। और ये देख सकते हो आप इधर से पानी आ रहा, और ये एक ब्रिज है, और उधर तो पिकनिक स्पॉट है जैसा कि आपको पता है, और ये पूरा ब्रिज है, और ये भी एक ब्रिज है, इसमें से उधर पानी जाता है, आधा पानी उधर चला जाता है, आधा पानी इधर आ जाता है। तो बस यही सीन है, आप व्यू का मज़ा ले रहे और देख रहे आगे क्या है नहीं है, देखते हैं आप कहाँ जाना है नहीं जाना है, देखते हैं। तो बहुत देर फोटोशूट करने के बाद, और रुकिए चश्मा पहन लेते हैं, हाँ, तो बहुत देर फोटोशूट करने के बाद और व्यू का मज़ा लेने के बाद अब सोच रहे कि यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि शाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो निकल, देख लीजिए आप कितना खूबसूरत व्यू है, वहाँ पिकनिक स्पॉट है और इधर आप देख सकते हो, और तो व्यू का मज़ा ले रहे और ब्लॉग भी बना रहे, फ़ोटो भी ले रहे, रील्स भी बना रहे हैं, तो सब चीज़ एक ही बार में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैनेज कर रहे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ब्लॉग बनाना। तो और ये शानदार सा ब्रिज है, खूबसूरत, मतलब उस साइड आपका इंडिया पड़ता है, उस साइड इंडिया पड़ता और इस साइड आपका भूटान पड़ता है, और ये बीच में आप देख सकते हो कितना शानदार। और ये भाई गाड़ी लेके जा रहे कहाँ, तो ठीक है फिर निकलते हैं और मिलते हैं रोड में नहीं, सीधा घर पे ही जाओगे मिलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद दिखाने लायक कुछ था नहीं, तो मतलब रोड में तो शाम ही हो गया था, आप देख सकते हो शाम ही हो गया, तो दिखाने क्या ही दिखाते, शाम हो गया तो डायरेक्टली अब मोबाइल स्टोर पहुँचे, ये रहा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने घर वालों को दिखाए, पड़ोसी को दिखाए, सबको दिखाए, प्यार दे और सब्सक्राइब करें। टिल देन, पीस आउट।